केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। 14 से पहले अगर महिला किसी मुसीबत में होती तो मेडिकल व्यवस्था, पुलिस का सहयोग, लीगल सहयोग, ऐसा कोई भारत सरकार का प्रकल्प नहीं था देश में जिससे महिला को संरक्षण मिल सके। प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया कि देश के हर जिले में महिला संरक्षण के लिए वन स्टॉप सेंटर बने। 801 सेंटर भारत सरकार ने अप्रूव किए, वर्तमान में 733 सेंटर्स देश में फंक्शनल हैं। प्रदेशों से मांग आई कि जहां जहां जिस जिले की आबादी ज्यादा है या जहां पर इंसिडेंट्स ऑफ क्राइम अगेंस्ट विमेन, महिला के खिलाफ वारदातें ज्यादा हैं, वहां पर वन स्टॉप सेंटर की संख्या बढ़ाई जाए। तो अब 300 और सेंटर्स खोलने का बजट भारत सरकार ने सुनिश्चित कर दिया है। यह भी कहना उचित होगा कि भारत सरकार ने प्रदेश भर में, आप चाहे जिस भी प्रदेश के हों, वहां जो महिला हेल्पलाइन चलती है वो महिला हेल्पलाइन भारत सरकार के सौजन्य से चलाई जाती है। आज हमारे देश में 34 से ज्यादा महिला हेल्पलाइंस ने भारत सरकार के इस प्रयास के माध्यम से 1,26,00,000 कॉल्स को अटेंड किया, जिसमें से 64,00,000 महिलाओं की मदद हुई। ये सब भारत सरकार, प्रदेश सरकारों के समन्वय से और भारत सरकार की निधि से संभव हुआ है। Zee